अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी लाहौर के फॉल एडमिशन 2024 के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में बताते चलें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसने अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज प्रोग्राम के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें ऑफर्स होने वाले जो डिग्रीज प्रोग्राम हैं उनमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले DPT डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। अब DPT में एडमिशन लेने के लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है और उसके बाद है Pharm.D। Pharm.D में भी एडमिशन लेने के लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। DPT और Pharm.D इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके FSC प्री मेडिकल में कम से कम 60% नंबर होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद है BS नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपके इंटरमीडिएट में FSC प्री मेडिकल में 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स, BS बायोकेमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी। इन चारों डिग्रीज प्रोग्राम में आप FSC प्री मेडिकल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और आपके FSC प्री मेडिकल में कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। Part 2 अगर आपका क्लियर है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका Part 1 क्लियर है, Part 2 के रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं तो आप फिर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद है LLB, BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन चारों डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट मीन्स 12 क्लास ही होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो। आप FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, DCOM, FA, FAIT, इन तमाम डिसिप्लिन के बाद आप LLB में अप्लाई कर सकते हैं, आप BS इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ये सुन आप BBA में अप्लाई कर सकते हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और उसके बाद है BS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, 12 क्लासें होना ज़रूरी हैं, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो तो आप इस डिग्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट फिलहाल यूनिवर्सिटी ने शो नहीं की, एडमिशन स्टार्ट है, आपका इंटरमीडिएट क्लियर है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। Part 1 क्लियर है, Part 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपके नंबर Part 1 में कम है लेकिन आप मतलब के उन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिसमें कम से कम 60% जो नंबर हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी को विजिट कीजिए, कैंपस में चले जाइए और जाके अपना एडमिशन सिक्योर कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे Part 2 के पेपर बहुत अच्छे हो गए, Part 2 में मेरे इतने नंबर आ जाएंगे और मैं Pharm.D, DPT वगैरह में एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी आपको डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो सी वो गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी लाहौर के Pharm.D, DPT, BS नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद LLB, BBA, BS इंग्लिश वगैरह इस तरह के डिग्रीज प्रोग्राम के एडमिशन के सिलसिले में बात की और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।